नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। दुनिया के 197 देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें 18,887 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,22,566 संक्रमित बताए जा रहे हैं। 1,08,388 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं स्पेन की अगर बात करें तो एक दिन में 514 लोग मारे गए, जबकि 6,600 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। उधर इटली में 24 घंटे में 743 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि दो दिनों के बाद देश में मौतों का आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। इससे पहले सोमवार को 601 और रविवार को 650 लोगों की जान गई थी। ईरान के तेहरान से 277 भारतीय यात्रियों को लेकर आई महान एयर फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया है। ये लोग जोधपुर पहुंच गए हैं। इन्हें आर्मी सुविधाओं के बीच लाया गया। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 536 हो गई है। नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। यह शायद पहला ही ऐसा मौका है जब देश में जम्मू के वैष्णो देवी से मदुरै के मीनाक्षी मंदिर तक सारे माता मंदिर नवरात्र में भक्तों के लिए बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के चलते देश के सारे मंदिर इस समय आम लोगों के लिए बंद हैं। सिर्फ पुजारियों के लिए ही मंदिरों में प्रवेश मिल पा रहा है। तमिलनाडु के मदुरै में 54 संक्रमित मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोरोना के सबसे ज्यादा 109 मामले केरल में है, जबकि महाराष्ट्र 101 दूसरे नंबर पर है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। अमेरिका में इसके लिए सेना बुलानी पड़ी थी। अगर हमारे यहाँ हालात नहीं ठीक हुए तो नियम तोड़ने पर देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ सकता है। रामलला आज सुबह स्थायी मंदिर में शिफ्ट किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला को टिन शेड से निकालकर फाइबर के बने अस्थायी ढांचे में शिफ्ट किया। पीएम मोदी के लॉकडाउन के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। करीब 15 से 20 लोग इस दौरान मौजूद रहे। अयोध्या प्रशासन ने 2 अप्रैल तक तीर्थ स्थल में प्रवेश पर रोक लगा दी है।